हमारे साथ कोई ऐसा नहीं, जिसके साथ भी हम अभी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं तो दुल्हन का ही फिल्म कर रहे हैं। रियल में कभी अभी तो दुल्हन बनी नहीं, तो कितना बिल्कुल, जो बस है इसलिए काफी भागते हैं फिल्मों क्योंकि में। यूट्यूब चैनल इतने सारे हो गए हैं कि मीडिया कम और यूट्यूबर ज़्यादा हो गए जी हैं, जी इसलिए मैं यूट्यूबर से भागती हूँ, मीडिया वाले से नहीं भागती हूँ। वो अपने चैनल को चलाने के नमस्कार, लिए, मैं अरविंद कुमार मौर्या स्वागत करता हूं अपने भोजपुरी A to Z पर। और काफ़ी फिल्में शूटिंग चल रही है लखनऊ में, तो आज हम बख्शी तालाब में हैं और एक फिल्म चल रही है दुल्हन। दुल्हन तो नहीं बनी है अभी, लेकिन ये फिल्म कर रही हैं दुल्हन। नाम तो आप दिखाऊंगा नहीं, पहले तो आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सा इनका लुक दिखाएंगे। कैमरामैन थोड़ा सा मैम को दिखाइए पहले, उसके बाद। ये मैम है, चांदनी मैम है, और काफ़ी फिल्में इन्होंने की हैं। गाने तो आपने देखे होंगे बहुत से, जो भी लार्ज स्केल का गाना आता है वो चांदनी मैम का आता है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम। और भोजपुरिया A to Z के तरफ से जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए। लखनऊ में शूट कर रहे हैं, कौन सी फिल्म है कुछ बताना चाहेंगे? मेरे बताने से पहले आपने ही बता दिया है, दुल्हन तो दुल्हन का ही फिल्म कर रहे हैं। रियल में कभी अभी तो दुल्हन बनी नहीं, तो कितना जो है काफ़ी फिल्मों में दुल्हन बनी है, लेकिन एक्सपीरियंस तो ज़्यादा हो गया होगा। अगर जब शादी होगा तो क्या पहले से ही सब पता रहेगा? हाँ, सब पता रहेगा। अब बात किया जाए इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता जितने लोग हैं, क्या इनके बारे में क्या कुछ इस खास, क्योंकि कुछ अलग हटके ये फिल्म है। जी, नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, और सभी फिल्में, मतलब कोई भी फिल्म बनाता है अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं बेहतरीन फिल्म बनाऊं, और कई बेहतरीन फिल्म हमने दे चुके हैं, उसमें से एक है दुल्हन भी है। नहीं, अभी गाना आपका शूट हो रहा था, मैं देख रहा था, उसमें आपका गाना था बोल, क्या होता कि आजकल जो भोजपुरी हुक लाइन होता है वो बड़ा अलग था, लेकिन इस गाने में मैंने देखा था राधा कृष्णा का कुछ बखान किया जा रहा था। पंचलाइन है तो थोड़ा फास्ट, लेकिन इस गाने को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? सभी गाने अच्छे हैं और उम्मीद करेंगे कि ये गाने भी आप लोग को पसंद आए। आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि राम अब राम है, ये दुल्हन है, और ससुराली जिंदाबाद है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है, मुझे नाम मतलब शायद याद नहीं आ रहा है। राधा मूवी अभी हमने किया है एक, वो भी बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत सारी मूवी है ऐसे जुबान काफ़ी में। हमने फिल्में भी देखते रहते हैं, काफ़ी आप आइटम गाने ज़्यादा मैंने देखा कि नहीं, क्योंकि कई फिल्में मैंने देखा कि उसमें ज़्यादातर आप आइटम सॉन्ग में ज़्यादा दिखती हैं, और कम से कम क्राउड भी होता है 40-50 का, तो वो क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो कितना अच्छा, मतलब वो लगता है कि एक स्पेशल गाना जब होता है आपका तो। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि मैं एल्बम में भी, जब एल्बम कर रही थी, आज भी करती हूँ, जब स्टार्टिंग किया था तो एल्बम में भी सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। फिर जितनी भी मूवी रहती थी, कम समथिंग सब में सॉन्ग अगर हमारे रहते थे, स्पेशल सॉन्ग रहते थे, तो उसमें भी मुझे बहुत प्यार मिला, और एज ए लीड करती हूँ उसमें भी बहुत प्यार मिलता है, तो ये तो सभी लोगों का प्यार है मेरे लिए। पवन सिंह और खेसारी जी के साथ कोई गाना आने वाला है कुछ? बिल्कुल, पवन जी के साथ आने वाला है होली सॉन्ग, पवन सर के साथ, बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, क्या शुभकामना देंगी अपने दर्शकों के लिए? ये मेरी कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो प्लीज़ आप लोग देखिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और मेरी एक हिंदी मूवी है कटान, तो जब भी रिलीज़ होगा प्लीज़ प्लीज़ आप सभी लोग अपना ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिए उस फिल्म को, ताकि हमें और लगे कि नहीं, हमें ऐसी फिल्म करनी चाहिए। दुल्हन की बात की जाए तो एक दो लाइन और मैं पूछना चाहूँगा उसमें। दुल्हन में दो हीरो हैं आपके, एक तो राज जी हैं और एक अभय राज, दो मतलब दोनों राज ही हैं, कितना हाँ, रोमांस उनके साथ दोनों लोग को देखने मिलेगी? अभी तो राज यादव जी के साथ सॉन्ग कर रहे हैं, और अभी राज जी के साथ अभी सॉन्ग नहीं किया है, और जब भी करेंगे अच्छा ही होगा। उनके साथ काफ़ी फिल्में आपने किया है हाँ, इसमें, राज जी के साथ हमें 3-4 मूवी कर चुके हैं, तो क्या केमिस्ट्री आपको देखने को मिला उनके साथ में करने में? आप तो सेट पे हैं, आपको कैसा लगा? हमको तो खूब अच्छा लगता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी फिल्में मैंने शूट करते देखता रहता हूँ, लेकिन जो आपका माहौल है उसका भी हमने अलग लगता है कि आपने एक अच्छा काम कर रही हैं, और कोई स्टार अगर अच्छा होता, कभी कभी सेट पर ऐसा हो जाता कुछ अभद्र हो जाती हैं लोग, काफ़ी फिल्में होती रहती हैं ऐसी बातें, तो चांदनी जी का ये सबसे है कि ऐसे आर्टिस्ट आते हैं इंडस्ट्री में तो कितना अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है, और अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा नहीं, जिसके साथ भी हम अभी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं, अनसिक्योर्ड फील नहीं हुआ, सभी लोग बहुत हेल्प करते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि मुझे उनका करना चाहिए तो हम उनका करते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए तो हम उनसे भी सीखते हैं। लास्ट सवाल मेरा कि मीडिया से क्यों भागती हैं आप, कुछ ऐसा?
हाँ, मीडिया से इसलिए भागते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल इतने सारे हो गए हैं कि मीडिया कम और यूट्यूबर ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं यूट्यूबर से भागती हूँ, मीडिया वाले से नहीं भागती हूँ। वो अपने चैनल को चलाने के लिए हम कुछ और बोल रहे हैं और वो टाइटल कुछ और लिख के वो कर देते हैं, और उनके पास सिर्फ सब्जेक्ट एक रहता है। पवन सर के साथ सर में विवाद हुआ तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि विवाद होता है क्या है, जो भी किसी के पर्सनल लाइफ में बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये होगा वो होगा, तो उन सब चीज़ों से हम भागते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी चांदनी मैम और